अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आदाब। मेरा नाम शेख अनीस है। हम आज उन जाबाजों से मिलेंगे, बीड़ के ये वो जाबाज है जिन्होंने 22 तारीख को जो लॉकडाउन हुआ था उसी से इन्होंने शुरुआत कर दी थी खिदमत करने की, आम लोगों की, आम जनता जो फंसी थी उन लोगों की मदद करने की। उन लोगों से मिलते हैं कि उनका पिछले 32-33 दिनों का क्या एक्सपीरियंस रहा और किस तरह से इन्होंने काम किया। कि जब लॉकडाउन हुआ एक दिन का, सब होटलें बंद थी, टपरी बंद थे, जहाँ जहाँ से खाने की चीज़ें आती थी वो सब बंद थे। हम सब दोस्त श्रीमद समी भाऊ, अजीम भाई और मैं, हम सब मिलकर मशवरा कर रहे थे कि भाई अब एक दिन का लॉकडाउन है, ये लोगों के खाने पीने का मसला कैसा। तो हमारी मशवरा ही चल रहा था तो उस दौरान हमें जो है तो रिजवान भाई पत्रकार का फ़ोन आया और कहा कि बेघर निवारा के अंदर कुछ 60-70 लोग है, वो जो है तो भूखे है, तुम उनके खाने का इंतज़ाम कर सकते क्या। उस दौरान फिर हमने जो है तो आपस में मशवरा किया और फिर रिजवान भाई को फ़ोन लगा कर कहा कि रिजवान भाई बिल्कुल हम शाम में 7:30-8 बजे तक उनको जो है तो खाना खिलाएंगे। फिर हमने जो है तो वहाँ पर ले गया और अपने हाथों से जो है तो उन लोगों को खाना खिलाया। तकरीबन ये 32 दिन से हम ये खाना तो कर रहे हैं, लेकिन इसके तौर पे मैंने बाद में सिविल हॉस्पिटल में कलेक्टर साहब ने एक पत्र काटे थे ब्लड कैंप के लिए। तो तकरीबन जब से लॉकडाउन चालू है मैंने कम से कम 35 से 40 लोगों को ब्लड दिलाया। हमने फेसबुक पर डाला कि भाई जो जो ज़रूरतमंद लोग है, कि अगर किसी को जो है तो जो बेघर लोग है, ज़रूरतमंद लोग है, अगर वो या कोई किसी को जानता हो कि हमको जो है तो हमारे इस नंबर पर, हमने हमारा नंबर फेसबुक पर डाला हमारे सब ग्रुप के लोगों का कि हमको कांटेक्ट करें, हम उनके खाने का इंतज़ाम करेंगे। तो हमारे ग्रुप को सबको जो है तो फ़ोन आना चालू हुआ। उसके बाद हमने जो है तो 15-20 किलो का खाना बनाया, जितने लोग ज़रूरतमंद थे उनके घर तक जो है तो हमने खाना पहुँचाया। कुछ ऐसे भी घर हमको मिले कि 2-4 दिन के बाद कि जो सुबह शाम जो है तो पोहे खा रहे थे बनाकर, ऐसे घर पर भी खाना पहुँचाया, ऐसे घर पर भी खाना पहुँचाया जहाँ पर जो है तो 2-2 दिन से भूखे लोग थे। तो 6 लोगों की टीम थी और हम जो वर्क कर रहे थे उतना हमसे एडजस्ट नहीं हो रहा था, उतने लोगों तक हम नहीं पहुंच रहे थे। तो मैं सभी जनता से, सभी लोगों से अपील करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि आप भी जो है तो ऐसे लोग तलाश करें जो ज़रूरतमंद है उन तक खाना पहुंचाए। हाँ, पूरे हम तकरीबन 32 लोगों को हमने है तो हॉस्पिटल में है तो खाना पहुँचाया। जैसा है कि उनके पास पैसे थे लेकिन जाकर बाहर खाना नहीं ला सकते थे। जैसा विवेकानंद हॉस्पिटल था, वो जानवर हॉस्पिटल है, पैराडाइज हॉस्पिटल है, यहाँ पे वो जीजा माता हॉस्पिटल, जीजाऊ बोल के हॉस्पिटल है। अब जैसा सिविल हॉस्पिटल में बाहर से बहुत सारे लोग आए वाले, हमने आदित्य कॉलेज के पास भी जाकर उनको खाना पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन जो मेहनत की तो उसके अंदर हमें एक एहसास तो हुआ कि हर किसी को रास्ते पर आना चाहिए और मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जितनी भी जगह हम गए, जैसा बाड़सिना के एक एरिया है वहाँ हम गए, फर्स्ट टाइम जब मैं वहाँ गया तो मैंने जैसी गाड़ी लगाया तो तकरीबन 25 से 30 औरतें और बच्चे जो है तो पूरा घेरा डाल के खड़े हो गए थे। और मेरे पास उतना खाना नहीं था क्योंकि हमारा टारगेट था, हमारे लोग फिक्स थे कि भाई इनको देना है करके, तो वहाँ मुझे खाना पड़ गया। तो उसमें से जो है तो एक और लेडीज़ जो है हमारी हिंदू बहन थी, हो उन्होंने उनके बच्चे को साथ भेजा, उन्होंने कहा कि काही करा मल्ले पन तुम्हें आमचा हमारा जीवन पाठून दे, मले माजे मुला ने मले सोबत घेऊन जा, नंतर मी त्याला आपल्या घरी आणलो, घरचं स्वयंपाक केलेलं त्याला दिलं मी, नंतर त्यांनी जेवण केलं, नंतर आप माझे घरी भी आलते ते एक परवादिशी आलते ते माझ्या घरी भी, त्यांना मी एक किट पण दिली। के बाद है तो भाजी तरकारी के तौर से मैंने है तो तकरीबन 600 से 650 लोगों को मैंने तरकारी पहुँचाया। अपने अपन लॉकडाउन रहने के बाद अपने घर में जो लोग, अपन तो घर में रह रहे लेकिन अपने वास्ते प्रशासन मदद कर रहे, उसके लिए मैंने पूरे बीड़ शहर में प्रशासन के लिए नाश्ते की सोई करा था। और तकरीबन मेरे से जितना हो सका, मेरे दोस्त कंपनी जितना हुआ मैं करते रहूँगा और इंशाल्लाह आने वाले रमज़ान के ओर पे 10-15 दिन के बाद मेरा एक बीड़ शहर में हमारे एक 10-12 लोगों की तरफ से तकरीबन 300-400 किट का नियोजन हमने कर चुके। एक घर मैं और सलीम भाई बालीपीर के एक घर पर गए, नाम तो नहीं लूँगा मैं उनका, वो वॉशिंग सेंटर पे काम करते थे। जब उन्होंने हमको फ़ोन किया कि भाई हमको जो है तो आप खाना पहुंचा सकते क्या, तो हमने बोले बिल्कुल हम आपको शाम में खाना पहुंचाएंगे। तो सलीम भाई और हम जो है तो खाना लेकर जो है तो वहाँ पर पहुँचे तो उस इंसान के चेहरे पर काफ़ी शर्मिंदगी थी। हमने उसको जब खाना दिया, 6 लोग थे वो, 4 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, हमने कहा कि सलीम भाई यार बड़ी जो है तो उनका चेहरा शर्मिंदा था, अपन इसको कल से खाना नहीं देंगे। तो हमारे सलीम भाई परेशान हो गए, अरे यार सर वो तो बहुत ज़रूरतमंद है, उनको खाना देना पड़ेगा अपने को। बोला सलीम भाई आप उनको अपन खाना नहीं देंगे, उनको एक महीने का किट इस देंगे ले आएंगे। तो फिर हमने जो है तो दूसरे दिन दोपहर में जो है तो उनको जो है तो एक महीने का किट उनके घर तक जो है तो हमने खाने का पहुँचाया। वो बड़े खुश हुए और रोकर दुआएँ दी हमको कि अल्लाह तुम्हारे जो है तो जायज़ मकासद को कबूल फरमाए। हाँ, बाहर के भी लोग थे यहाँ पे जो बहुत अड़के हुए थे, तकरीबन उन लोगों को भी हमने खाना पहुँचाया, 40-50 लोग थे ऐसे। और वो देना बैंक में एक कर्मचारी भी है बोलकर वो भी परेशान है थे, और एक बरली वैजनाथ में बच्चा पढ़ता है विद्यार्थी यहाँ पर, उनको भी जाके हमने खाना पहुँचाया।
हाँ मजदूर, एक बार हमको तहसीलदार साहब का फोन आया था कि जो लॉकडाउन पोस्ट पे लोग अटके हुए है, वो लोगों को भी हमने जाके 250-250 लोगों थे वहाँ पर, वहाँ जाकर हमने उनको तकरीबन रात में 11-12 बजे जाकर हमने उनको खाना पहुँचाया। सभी समाज के लोग इसके अंदर थे? सभी समाज के थे। अभी जो है तो एक बारिश नाके के लोग हमने कंटिन्यू किया था, वहाँ तकरीबन 30-32 लोग थे। कंकालेश्वर चौक जो है वहाँ के हमारे पास 7 लोग थे और सिविल हॉस्पिटल के अंदर के कुछ 8-9 लोग थे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अभी जो है तो परसों जो है तो मैंने 46 किट वाटप किए थे, कल जो है तो रात में 10-1 किट वाटप किए, आज भी 5-7 किट वाटप किए और अभी जो है तो और हमारा 20-25 का किट का टारगेट है अभी मेरा आज इंशाल्लाह। और उसके बाद अभी जो रमज़ान है, रमज़ान के अंदर हम जो है तो कुछ लोगों को जो है तो शहर का भी इंतज़ाम कर रहे हैं हमारे जो महल्ले के अंदर है, और कुछ घरों को जो है तो रोज़ाना 30-1 घरों को जो है तो इफ्तार भी जो है तो डेली असर के बाद पहुंचा रहे हैं। हाँ मोहल्ला मोहल्ला वाइज हमने अपने जो है तो सलीम अध्यक्ष ने उनकी बुंदलपुरी की जिम्मेदारी ली और हमारे सभी भाव ने भी जो है तो उनकी जो है तो उनके महल्ले की अपनी जिम्मेदारी ली, और ऐसा लग भी रहा है कहीं तो भी एक दो आदमी जो बहुत ज़्यादा परेशान या खानदान में या रिश्तेदार में कोई परेशान है तो हम पहुँच रहे हैं। हम जैसी टूटी फूटी अंदाज में हमारे जितनी जो है तो हैसियत है, जितनी जो है तो हमारे में ताकत है, उतने अंदाज में जो है तो हम ला के वहाँ पर पहुँचा रहे हैं।